हेलो दोस्तों, नमस्कार। निशि चौधरी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ एक नई रेसिपी के साथ, जिसका नाम है फ्राइड ढोकला रेसिपी। तो ढोकले तो आपने कई बार खाए होंगे, लेकिन फ्राइड ढोकला आपने कभी नहीं खाया होगा। तो बिना वीडियो के स्किप किए चलिए बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले ले लूँगी मैं यहाँ पर मक्का का आटा। तो ये हमारा मक्के का आटा 250 ग्राम है। तो इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी कुछ मसाले। चम्मच की मदद से मैं इसको थोड़ा सा फैला लूंगी। और सबसे पहले लेंगे हम यहाँ पे 1 चम्मच अरारोट। तो बाइंडिंग अच्छी आएगी तो अरारोट जरूर डालें। थोड़ी सी ले ली है मैंने यहाँ पे मेथी, उसको बारीक कट करके डाल दिया है। थोड़ा सा फ्रेश धनिया। इसके बाद मैं ऐड करूँगी यहाँ पे बारीक कटा अदरक और 1 हरी मिर्च, 1 मीडियम साइज का बारीक कटा प्याज, और ये मेरे पास है थोड़ा सा पनीर, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। थोड़ी सी गाजर बारीक कटी, और ये मैंने पहले से ही बॉईल करके मैश की हुई मटर ले ली है। अब इसके बाद डालूंगी मैं यहाँ पे 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी ऐड करेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। तो अब इन सभी को हम मिला लेंगे। वैसे तो ये मक्के के आटे की राजस्थानी रेसिपी है, लेकिन हम इसको एक नए फ्लेवर में बना रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं मोयन डाल दूंगी 2 चम्मच। काफ़ी खस्ता बने हमारे यहाँ पे फ्राई ढोकला। वे लोग इसको स्टीमर में स्टीम करते हैं और तब गर्मा गर्म सर्व करते हैं उड़द की दाल के साथ और सब्जियों के साथ, तो वो भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इसके बाद हम इसका आटा लगा के तैयार करेंगे। तो आटा ना ज़्यादा हार्ड लगाएंगे और ना ज़्यादा ही सॉफ्ट, एकदम मीडियम कंसिस्टेंसी में हम इसका आटा तैयार करेंगे लगा के। तो थोड़ा थोड़ा सा मैं पानी डालती जाऊंगी और इसका आटा लगा लेंगे। तो एक बार ही ज़्यादा पानी ऐड ना करें। अगर आपके पास अरारोट नहीं है तो आप इसमें मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे काफ़ी अच्छी बाइंडिंग आती है, क्योंकि ये जो हमारा मक्के का आटा होता है काफ़ी खिला खिला होता है। आटा गूंथने के बाद हम इसको 10 मिनट रेस्ट के लिए देंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो इसकी कंसिस्टेंसी मैं दिखाती हूँ दोस्तों, देख सकते हैं ना ज़्यादा पतला है बहुत ज़्यादा और ना ज़्यादा ही ये हार्ड है, तो एकदम मीडियम कंसिस्टेंसी में है। तो देखिए 10 मिनट हो चुकी हैं और यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको एक बार और मत लेती हूँ। तो काफ़ी सॉफ्ट हो गया है आटा हमारा। लीजिए दोस्तों, मैंने आटे को अच्छे से मथ लिया है। अब हाथों पे लगाएंगे थोड़ा सा तेल ताकि ये जो आटा है चिपके ना हाथों पे। तो इसके बाद मैं तेल लगा लूँगी और पेड़ियाँ बना लेंगे इस आटे की, ना ज़्यादा मोटी होनी चाहिए और ना ज़्यादा ही छोटी। तो इस तरह से मैं इसको दबाऊंगी, किनारे फटे ना, तो थोड़ा सा इसको ऐसे दबा के और फिंगर से मैं सेंटर में होल कर लूँगी ताकि ये जब हम फ्राई करें तो ये सेंटर से भी फ्राई हो, बीच से कच्ची ना रहे बिल्कुल भी। तो देख सकते हैं इसका साइज आप, तो एकदम परफेक्ट बनी है हमारी यहाँ पे ढोकला। तो बारी बारी से ऐसे ही रख लूँगी, फिर से तेल लगाएंगे हाथों पे। इसके बाद फिर से अपनी एक पेड़ी तैयार कर लेंगे बना के। और फिर से होल करेंगे ऐसे। देखने में भी कितनी अच्छी लग रही हैं ये। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही मैं सारी अपनी ढोकला बना के तैयार कर लूंगी। तो लीजिए ये हमारी फ्राई होने के लिए तैयार है ढोकला। तो चलिए करते हैं फ्राई। तेल को मैंने पहले ही यहाँ पे गर्म होने के लिए रख दिया था दोस्तों, तो काफी धुआं निकल रहा है। तो फ्लेम कर देंगे एकदम लो और मैं सारी अपनी
इसमें ढोकला डाल दूंगी फ्राई होने के लिए। जितनी भी एक बार आराम से आ जाए तो उतनी डाल दीजिए, फटने का भी कोई झंझट नहीं है, बहुत ही आसानी से बन जाती हैं। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे हमको इसको फ्राई करना है, तो एक बार पलट लेंगे ताकि ये दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो। फ्लेम का ध्यान रखिए दोस्तों, ज़्यादा हाई नहीं रखनी है, नहीं तो ये बाहर से हमारी जल जाएंगी ढोकला और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पे हमको इसको फ्राई करना है ताकि अंदर तक ये क्रिस्पी बने। आप चाहें तो इनको हाफ फ्राई करके ठंडा करने के बाद फ्रिज में भी रख सकते हैं, और जब मन करे फ्रिज से निकालिए, फ्राई कीजिए और गर्मा गर्म सर्व कीजिए। तो एक हफ्ते तक ये हमारी ढोकला चल जाती हैं, ख़राब नहीं होती बिल्कुल भी। तो लीजिए दोस्तों, ये फ्राई हो गई हैं, तो अब इनको मैं निकाल लेती हूँ क्योंकि ये ठंडा होने के बाद काफ़ी क्रिस्पी हो जाती हैं। तो देखा आपने कितनी आसान सी रेसिपी है ये हमारे फ्राई ढोकला की। तो ऐसे ही मैं बारी बारी से अपनी जो बाकी की ढोकला बना के तैयार की थी वो भी मैं फ्राई होने के लिए डाल दूंगी। लीजिए दोस्तों, बनके रेडी है हमारे यहाँ पे गर्मा गर्म फ्राई ढोकला। तो इसको मैं सर्व करूंगी टमाटो केचप के साथ, ये होममेड है, इसकी रेसिपी मैंने पहले ही डाल दी है, तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं, एक बार मैं इसको तोड़ के दिखा देती हूँ। इसका अंदर तक टेक्सचर देख लीजिए कि कितनी अच्छे से ये फ्राई हुई है, बाहर से कितनी क्रिस्पी हैं और खाने में तो बहुत ही टेस्टी मज़ेदार है। रेसिपी अगर पसंद आई हो दोस्तों, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।